तब हवा भर जाती है और साइकिल में क्यों हवा भर जाती है, तो कि साइकिल के टायर में हवा इसलिए भर जाती है क्योंकि टायर में बराबर हवा भरने से टायर क्या हो जाता है, कड़ा, और साइकिल बराबर चलती है इसलिए साइकिल के ट्यूब में हवा भर जाती है। चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्या कर क्या क्या मुंह लटका कर क्यों बैठा है। चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर इसलिए बैठा है क्योंकि वह आराम कर रहा है। क्या कर रहा है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, कुंजड़ी कहाँ कहाँ सब्जी बेचने जा सकती है। कुंजड़ी એટલે શું વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કીધું કે કુંજડી એટલે કે શાકભાજી વેચવાળી સ્ત્રી, તો કે કુંજડી ગલી ગલી और घर घर सब्जी बेची जा सकती है। कहाँ कहाँ जाती है कुंजड़ी सब्जी बेचने, तो कि घर घर और गली गली सब्जी बेचने जा रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले चित्र की स्थिति का यहाँ वर्णन किया हुआ है, अब बाद में दूसरी स्थिति के वर्णन हम देखते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होता है, तो कि साइकिल वाला ट्यूब में हवा भर रहा है कम से, और टायर में ज्यादा हवा भरने से भरने के कारण टायर फट जाता है। तो टायर फटने पर क्या क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि टायर फटा, साइकिल का टायर फटा तो क्या क्या हुआ। तो कि टायर फटने से कारण हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा, साइकिल वाला है वो टायर फटा, ज्यादा हवा भरने के कारण साइकिल का टायर फटा तो वह साइकिल वाला खुद गिर जाता है क्योंकि जोर से आवाज आती है इसलिए साइकिल वाला गिर जाता है। कुंजड़ी के सिर पर टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर इधर उधर बिखरने लगी। कुंजड़ी के सर पर सब्जी की टोकरी थी, वह टोकरी गिर पड़ी और सब्जी जमीन पर इधर उधर बिखर गई। डंडे पर बैठा हुआ तोता भी उड़ गया। आपने देखा था कि चित्र में एक तोता बैठा हुआ है, तो टायर फटने की आवाज से डंडे पर बैठा हुआ तोता भी उड़ गया। पची बंधे हुए गुब्बारे यहाँ वहाँ उड़ने लगे। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था लेकिन टायर फटा, तो अचानक से वह घटना घटने के कारण गुब्बारे वाला भी डर गया और उसके गुब्बारे इधर उधर उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। अचानक आवाज आने से मोची का सामान, मोची वाला भी डर गया और सोचे कि उसके सामान सड़क पर इधर उधर बिखर गए। और लेटा हुआ कुत्ता भी उठकर भागने लगा। आपने देखा था पहले चित्र में कि कुत्ता हमसे लेटा हुआ है सड़क के किनारे, वह टायर फटने की आवाज से वह भी उठकर भागने लगता है। दूसरा प्रश्न है कि रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया। रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया, आपने देखा चित्र में, पहले चित्र में कि एक बाइक वाला है, उसके पीछे रिक्शा है, उसके पीछे कार है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया, क्योंकि बाइक वाला रिक्शा वाला बाइक से इसलिए टकराया क्योंकि बाइक वाला ठीक से बाइक नहीं चला रहा था। क्यों टकराया रिक्शा वाला बाइक से, तो कि रिक्शा वाला बाइक से इसलिए टकराया क्योंकि बाइक चलाने वाला बाइक ठीक तरह से चलाता नहीं था इसलिए। तीसरा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गए। अभी हमने देखा कि टायर फटने की आवाज से मोची रास्ते पर आ गया, टायर फटने की आवाज से डर कर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न नंबर 4, टायर के अलावा फटने वाली चीजों के नाम बताइए। टायर में ज्यादा हवा भरने के कारण टायर फट जाता है, तो आपको ऐसी टायर के अलावा ऐसी चीजों के नाम बतानी है कि जिसमें हवा भरी जा सकती है और वह फट भी, ज्यादा हवा भरने के कारण वह फट भी सकती है। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीजों यह है कि गुब्बारा, गुब्बारा ऐसी चीज है कि हम ज्यादा हवा भरने के कारण वह फट भी सकता है। बाद में अन्य चीजें है फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मोनवाइपर आदि चीजें ऐसी है कि ज्यादा हवा भरने के कारण वह फटी जा सकती है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने पहले चित्र के स्थिति और दूसरे चित्र की स्थिति के प्रश्न जवाब प्रश्न के उत्तर हमने देखे। तो यह सारे प्रश्न की नोट अपनी नोटबुक में लिख लेना। हमारा यह चित्र के समसम चित्रपाठ पूर्ण होता है।